बातुल जाजी हमारा बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, चुनाव भी लड़े थे, विधायक भी बने थे, मंत्री भी बने थे, लेकिन नाला में हम एक ही कैंडिडेट को टिकट दे सकता था, तो उन्होंने जो भी कारण हो बातुल जा को हम टिकट नहीं दे पाया। जाजी नाराज हुआ ना, जाजी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, नामांकन भी किया, लेकिन हम लोग जानता हूं इस बार सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, झारखंड के लिए जरूरी है, और मैं यहां आया था कि जाजी को रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप नामांकन विथड्रॉ कर दीजिए, पार्टी को इस बार मदद कीजिए। ये भी हमने बोला कि जाजी को हम सरकार बनने से या केंद्र सरकार में जहां में भी हो अच्छा सम्मानित पोस्ट भी हम लोग रखूंगा, जो भी उनका सम्मान का अनुसार है, किसलिए बहुत पुराना कार्यकर्ता है, और उनका आगे जाके राजनीतिक जीवन भी हम लोग सुरक्षित करने का कोशिश करूंगा। लेकिन ये सारे बात छोटे हैं, सबसे बड़ा बात है जाजी यहाँ में नक्सल का खिलाफ लड़ा, काफी लंबा उनका अनुभव है, तो इसीलिए हमारा मुद्दा था कि एक बार आके मैं कम से कम रिक्वेस्ट करूं, माने ना माने उनका ऊपर है, मेरे से भी बुजुर्ग है, सम्मानीय व्यक्ति है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा बात सुन के ही कुछ कर लीजिए, परिवार है उनका, कार्यकर्ता है, सबका साथ बात करके कुछ ना कुछ जरूर निर्णय जाजी लेगा। बिठिका जी से भी मैंने बात किया, देखिए मेरा मैं यहाँ निर्णय लेलवा के लिए नहीं आया था कि आप आइए, मैं आया तो कागज साइन कर दीजिए, वो तो मेरा नहीं था, मेरा इतना ही था कि मैं यहाँ का प्रभार में हूँ, जाजी को रिक्वेस्ट करना मेरा धर्म है, मैंने रिक्वेस्ट किया, और आगे में भी उनका जो पॉलिटिकल लाइफ है उनको सिक्योर करना वो भी मेरा काम है, सुरक्षित करना मेरा काम है, मैंने जो भी बोल सकता हूँ मैंने बोला। जाजी अपना कार्यकर्ता का साथ बात करेगा, एक कार्यकर्ता बनाने में पार्टी को बहुत समय लगते है, ऐसा कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ, और जरूर दोनों अपना धर्मपत्नी और बतुल जाजी अपना कार्यकर्ता का साथ बैठ के जरूर कुछ अच्छा ही निर्णय लेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.